नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, बुधवार हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एक पवित्र वार है। आप इस वार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आप ना करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, क्या आप अपने शरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं? ये रति योग आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के सभी गुप्त रोगों को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। आज बुधवार आपके लिए नया खुशियों का वार बनने वाला है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके घर से अशुभता, आपके घर से लड़ाई झगड़े और आपके घर से पैसों की तंगी को दूर करने वाला है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और अपने घर में बुधवार के दिन खुशियां ले आएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल पर वास्तुशास्त्र, चाणक्य नीति और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है। अगर आप बुधवार को अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा बना कर रखते हैं। अगर आप भगवान गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिख दें। दोस्तों, आप बुधवार को कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करते हैं तो आपको शुभ फल मिलता है। बुधवार के दिन आप काले कुत्ते या गाय को रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर की गरीबी दूर होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि काले कुत्ते और गाय को बुधवार के दिन रोटी खिलाने से भगवान गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आप बुधवार के दिन गाय या काले कुत्ते को मारने की कोशिश कभी भी ना करना, चाहे किसी लकड़ी से या लात। ऐसा आप करोगे तो आप सरासर मां लक्ष्मी को अपने द्वार से निकाल दोगे। महिलाओं को, खास करके जो सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें बुधवार के दिन अपने शरीर और अपने बदन को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश कम होते हैं और घर में खुशियां बढ़ती हैं। तो आप अच्छे कर्म करें, बुधवार के दिन गरीबों को दान करें, गरीबों को अच्छा खाना खिलाएं, जिससे आपके घर की तंगसी, आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बुधवार के दिन आप जितना हो सके आप सच बोलने का प्रयास करें। झूठ का सहारा आप कभी भी ना लें। झूठ बोलोगे तो आपके रिश्तों में दरार आएगी, आपके घर परिवार के अंदर कलेश बढ़ेंगे। तो अपने घर परिवार के कलेशों को दूर करने के लिए झूठ बोलना भी बुधवार के दिन सही नहीं माना जाता। और आप किसी गणेश मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी करें, जिससे भगवान गणेश आपसे खुश होंगे और आपके घर को खुशियों से भरने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इन उपायों को करके आप भगवान गणेश जी को खुश कर सकते हैं और अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए वास्तुशास्त्र, चाणक्य नीति और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आएं, जिसे आप देखकर अपने और अपने आस पड़ोसियों के ज्ञान को बढ़ा सकें और आप हमेशा खुश रह सकें।